नमस्कार मित्रों, मैं हूं दिनेश ठक्करबापा और आप देख रहे हैं AM PM टाइम्स। इस समय मैं बद्रीनाथ धाम के ठीक सामने खड़ा हूं। आइए हम श्री बद्रीनाथ मंदिर की विशेषताएं, उसके महत्व तथा यहां होने वाली विभिन्न पूजाएं, चढ़ने वाले भोग प्रसाद के संबंध में चर्चा करेंगे। साथ ही श्री बद्रीनाथ मंदिर परिसर में स्थित श्री महालक्ष्मी मंदिर, श्री बद्रीनाथ स्वरूप मंदिर, हनुमान जी और घंटा कर्ण जी के मंदिर के बारे में चर्चा करेंगे। ज्ञात हो कि नर और नारायण पर्वत के मध्य प्रवाहित होने वाली पवित्र नदी अलकनंदा के तट पर स्थित बद्रीनाथ मंदिर की ऊंचाई समुद्र सतह से 10,350 फीट है। चार धाम यानी यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में से बद्रीनाथ अंतिम पड़ाव है, जहां आकर यात्रा का समापन होता है। केदारनाथ में दर्शन के बाद श्रद्धालु गौरीकुंड आने के बाद सड़क मार्ग के जरिए सोनप्रयाग, फाटा, गुप्तकाशी, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग, गोचर, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, चमोली, पीपलकोटी, गरुण गंगा, टंगनी, हैलंग, जोशीमठ, विष्णुप्रयाग, गोविंद घाट, पांडुकेश्वर, हनुमान चट्टी होते हुए बद्रीनाथ पहुंचते हैं। यह सफर करीब 222 किलोमीटर तक का होता है। जोशीमठ आने के बाद कुछ श्रद्धालु जोशीमठ में ही रात्रि विश्राम करते हैं, जबकि कई श्रद्धालु सीधे बद्रीनाथ धाम चले जाते हैं। जोशीमठ से बद्रीनाथ की दूरी लगभग 41 किलोमीटर है। आपको बता दें कि जोशीमठ में श्री बद्रीनाथ जी की पूजा गद्दी भी है। शीतकाल में जब बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, तब श्री बद्रीनाथ भगवान की चल मूर्ति लाकर यहीं 6 महीने तक पूजा की जाती है। जोशी मठ में ही भगवान नरसिंह और दुर्गा जी का मंदिर है। अधिकांश यात्री इन मंदिरों में दर्शन के बाद ही बद्रीनाथ धाम जाते हैं। जोशी मठ में ही शंकराचार्य जी ने ज्योतिर्मठ की स्थापना की थी। उल्लेखनीय है कि केदारनाथ शैवों का जबकि बद्रीनाथ वैष्णवों का तीर्थ धाम है। श्री बद्री नारायण अथवा श्री बद्री विशाल का मंदिर पंच बद्री में से एक है। पंच बद्री के अंतर्गत श्री बद्री नारायण मंदिर के अलावा श्री आदि बद्री, वृद्ध बद्री, श्री भविष्य बद्री और श्री योग बद्री शामिल हैं। ज्ञात हो कि बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खुले हैं, तब से प्रतिदिन 15,000 से 20,000 श्रद्धालु दर्शनार्थ बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। सनद रहे कि बद्रीनाथ जी के वर्तमान मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में श्री रामानुजीय संप्रदाय के स्वामी भद्राचार्य जी की प्रेरणा से गढ़वाल नरेश ने करवाया था। मंदिर के बन जाने के पश्चात इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने अपने धन से गढ़वाल नरेश के प्रबंध में एक स्वर्ण कलश छतरी बनवाई थी, जो भगवान श्री बद्रीनाथ जी को भेंट चढ़ाई गई थी। तराशे हुए सुंदर पत्थरों से निर्मित यह मंदिर करीब 50 फीट ऊंचा है। श्री बद्रीनाथ मंदिर के 3 भाग सिंह द्वार, सभा मंडप तथा गर्भगृह हैं। मंदिर का मुख्य द्वार चित्रात्मक है, इसे ही सिंह द्वार कहा जाता है। सिंह द्वार पर एक विशाल घंटा लगा हुआ है, जिसे गढ़वाल राइफल्स द्वारा चढ़ाया गया था। सीढ़ियां चढ़कर मंदिर के सभा मंडप में जाया जाता है, जिसे सन 1978 की योजना के अंतर्गत बड़ा करवाया गया था, जिसमें एक साथ अधिक यात्री पूजा और दर्शन कर सकते हैं। जबकि गर्भगृह अपनी पुरानी अवस्था में ही है। गर्भगृह बाहर से 17 फीट 5 इंच और 15 फीट चौड़ा है तथा अंदर से 13 फीट लंबा और 8 फीट 10 इंच चौड़ा है। गर्भगृह की दीवारें मोटी हैं। हिमालय की
की सुगंधित जड़ी बूटियों और पुष्पहारों से पूरे गर्भगृह को सुसज्जित किया जाता है। भगवान श्री बद्रीनाथ जी की मूर्ति शालग्राम शिला से निर्मित है। यहाँ भगवान श्री बद्रीनाथ जी पद्मासन मुद्रा में विराजमान हैं। यहाँ श्री बद्रीनाथ जी की मूर्ति बहुमूल्य वस्त्रों और हीरे जड़े चमकते मुकुट से सुसज्जित है। उनके मस्तक पर चंदन तिलक और गले में हार है। ऊपर स्वर्ण कलश का छत्र है। इस तरह भगवान श्रृंगारिक मुद्रा धारण किए हुए हैं। भगवान श्री बद्रीनाथ के पास ही धनपति कुबेर हैं और नीचे भगवान के अर्चक नारद जी बैठे हैं। समीप में उद्धव जी चतुर्भुज नारायण हैं। जोशी मठ में शीतकाल के 6 माह तक इनकी पूजा होती है। इनकी बगल में दाईं तरफ भगवान नर नारायण दोनों भाई हैं। श्रीदेवी भूदेवी इनके आसपास हैं, जो भगवान की 4 पत्नियों लक्ष्मी गंगा श्रीदेवी भूदेवी में से हैं। इस समूह को बद्री पंचायत कहा जाता है। पूजा के समय धूप दीप और वेद मंत्रोच्चारण से पूरा वातावरण दैदीप्यमान हो जाता है। अब हम श्री बद्रीनाथ मंदिर में पूजा विधियों की बात करते हैं। आपको बता दें कि प्रातः 4:30 बजे से 6:30 बजे तक इस मंदिर में महाअभिषेक पूजा, अभिषेक पूजा, उसके बाद प्रातः 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक वेद पाठ और गीता पाठ होता है। सायंकालीन आरती 5 बजे से रात 9 बजे तक होती है। इसमें कर्पूर आरती, चांदी आरती, स्वर्ण आरती, अष्टोत्तरी पूजा, विष्णु सहस्त्रनाम पाठ, विष्णु सहस्त्रनामावली और गीत गोविंद पाठ होता है। भगवान श्री बद्री विशाल जी की दैनिक और वार्षिक पूजाएं भोग और अखंड ज्योति की दरें अलग अलग हैं। यहाँ उर्वशी पूजा, जन्माष्टमी उत्सव पूजा और माता मूर्ति उत्सव पूजा भी विशिष्ट मानी जाती है। धृत कमल और दीप माला उत्सव के लिए घी की दरें भी पृथक हैं। भगवान श्री बद्री विशाल जी को लगने वाले दैनिक भोग में खीर, नित्य नियम भोग अधीनस्थ मंदिरों में और यात्री भोग प्रमुख हैं। श्री बद्री विशाल का महाभोग और बाल भोग भी पुण्यदायक माना जाता है। भगवान श्री बद्री विशाल का भोग प्रसाद मंदिर समिति द्वारा तैयार कराया जाता है। इसके अलावा पिंड दान की भी दरें निर्धारित की गई हैं। श्री बद्री विशाल मंदिर परिसर में श्री महालक्ष्मी मंदिर और श्री बद्रीनाथ स्वरूप मूर्ति मंदिर में भी पूजाएं नियमित तौर पर होती हैं। इसके अलावा श्री हनुमान मंदिर और घंटाकर्ण मंदिर में भी पूजा विधि विधान से होती है। विदित हो कि घंटाकर्ण भगवान श्री बद्रीनाथ के द्वारपाल या कोतवाल हैं। श्री बद्रीनाथ के मंदिर के दाहिनी ओर परिक्रमा में बिना धड़ की घंटाकर्ण की मूर्ति उल्लेखनीय है। हरिवंश पुराण में भी घंटाकर्ण की कथा विस्तार से वर्णित की गई है। श्री बद्री विशाल के दर्शन के बाद इन सभी मंदिरों में दर्शन पूजा का विधान है।